जी की जिम्मेदारी एक दादी माँ थी, उनकी जिम्मेदारी और तीन भाइयों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। खेतीबाड़ी था तो यही सोचा था कि खेतीबाड़ी करके अपने भाइयों को पढ़ाएंगे, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि हम कभी सरपंच भी बनेंगे। तो अब मुख्यमंत्री आप बन गए हैं, तो मुख्यमंत्री बनने का श्रेय किसे देते हैं? अब देखिए, जैसे पढ़ाई के साथ साथ हमने घर भी संभाला, परिवार भी संभाला, और जब पढ़ाई पूरी हुई तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया, और पार्टी ने जो भी दायित्व दिया उसको पूरी ईमानदारी के साथ निभाया, तो पार्टी बिना मांगे सब कुछ देती गई। मैं सिर्फ 6 महीना निर्विरोध सरपंच था, उसी समय विधानसभा का चुनाव आ गया और भारतीय जनता पार्टी अविभाजित मध्य प्रदेश में जो तपकरा विधानसभा क्षेत्र था वहां से अपना प्रत्याशी बनाई। उस समय मैं मात्र 26 साल का था, मेरी शादी भी नहीं हुई थी। उस समय भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दिया। और मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि 1990 के विधानसभा चुनाव में अविभाजित मध्य प्रदेश में 320 विधानसभा सीट हुआ करता था, जिसमें हम जिस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े तपकरा, वहां कांग्रेस को सिंबल अलाट नहीं हुआ। कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण कांग्रेस को सिंबल अलाट नहीं हुआ, कांग्रेस के प्रत्याशी को निर्दलीय वहां के डीएम ने घोषित किया और साइकिल छाप मिला उनको। साइकिल छाप के ऊपर में पंजा छाप लगाकर चुनाव प्रचार किए, कांग्रेस की जमानत जब्त हुई। मात्र 4000 वोट कांग्रेस को मिला और पहली बार भारतीय जनता पार्टी तपकरा विधानसभा क्षेत्र को 15000 से जीती। अभी जब चुनाव होने वाला था तो सब सर्वे आ रहे थे, सभी कह रहे थे कि बघेल साहब जीत रहे हैं। अंतिम दौर में प्रधानमंत्री आए, उनके भाषण हुए, तो मुझे लगता है कि वो गेम चेंजर बने छत्तीसगढ़ के चुनाव में, क्या आपको भी ऐसा लगता है? देखिए, 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में, तो 15 वर्षों में खूब काम हुआ छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ का चहुमुखी विकास हुआ। लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक बहुत लोक लुभावन जन घोषणा पत्र आया, जिसमें किसानों का धान का कीमत 2500 रुपया प्रति क्विंटल, बिजली बिल हाफ और तरह तरह के वादे किए गए थे, और छत्तीसगढ़ की जनता उनके लोक लुभावन जन घोषणा पत्र में आकर कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा जनादेश दिया था। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कांग्रेस पार्टी 5 साल सरकार चलाई, लेकिन 36 में से एक भी वादा पूरा नहीं कर पाई, बल्कि 5 वर्षों में पूरे प्रदेश को भ्रष्टाचार में झोंक दिया। बिना पैसे का कोई काम होता नहीं था। मैं बताऊं कि गांव में फोती काटना होता है, गार्जियन की मौत हो जाने पर उसका नाम कटता है, उनके उत्तराधिकारियों का नाम जुड़ता है, और हम लोगों की जब सरकार थी 15 वर्षों में तो ये अधिकार हमारी सरकार ने ग्राम पंचायत को दिया था। ग्राम पंचायत का सरपंच पटवारी को बुला के फोती कटवा देता था, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आई तो सरपंच का अधिकार छीना गया, तहसीलदार को पावर मिल गया, तो तहसीलदार 17 बार तो पेशी रेंगवाता था, मतलब बुलाता था, और उसके बाद 5000 से लेकर 50-50 हजार रुपये तक हम लोग के पास प्रमाण था। तो ये रिश्वतखोरी मतलब पिछले 5 साल के कांग्रेस पार्टी के सरकार में व्याप्त हो गया था, और हम प्रदेश अध्यक्ष के दायित्व में थे तो कई बार हम तो मुख्यमंत्री जी को चुनौती भी दिए कि आपने अगर
36 में एक भी वादा अगर 100% पूरा किया तो हमको बता दिए हम राजनीति छोड़ देंगे, लेकिन कभी उन्होंने ये साहस नहीं दिखाया, क्योंकि एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया था। और इसी का खामियाजा कांग्रेस पार्टी को पिछले 2023 के विधानसभा चुनाव में मतलब भुगतना पड़ा। बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में थे, 6 महीना पहले तक तो भारतीय जनता पार्टी को गिनते तक नहीं थे, इतना ओवर कॉन्फिडेंस में थे। लेकिन जो 5 वर्षों में उनका जो कर्म था उसका फल 2023 के विधानसभा चुनाव में उनको मिल गया। तो फिर मोदी है तो मुमकिन है? जी बिल्कुल, मोदी है तो मुमकिन है। एक तो देखिए, मोदी जी के साथ हमको 14 से 19 5 साल काम करने का अवसर मिला, हमको कल्पना भी नहीं थी। लेकिन जब हम रायगढ़ से सांसद चुन के गए और हम मोदी जी का शपथ ग्रहण देखने गए थे दिल्ली, हमको नहीं पता था कि हमको स्वयं को भी शपथ लेना पड़ेगा। लेकिन आदरणीय मोदी जी ने हम पर विश्वास काम करने का अवसर मिला तो हमने ये देखा कि मोदी जी जो भी योजना लागू करते हैं, जो भी योजना बनाते हैं, उसके पीछे पड़ते हैं। ऐसा अगर नहीं कि योजना बना दिए उसका फॉलो अप हो रहा है कि नहीं, जनता को उसका लाभ मिल रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं, वो पीछे पड़ते हैं एकदम। योजना बनाते हैं तो उसका लाभ जनता को मिले, इस पर वो बहुत पीछे पड़ते हैं। तो पहली बार कब मुलाकात हुई नरेंद्र मोदी से, उनकी निगाह पे कब पड़ी सबसे पहले? नरेंद्र मोदी जी तो हमारे छत्तीसगढ़ के संगठन के प्रभारी भी थे। जब छत्तीसगढ़ राज्य बना 1 नवंबर 2000 में और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, तो उस समय वो मध्य प्रदेश के संगठन के प्रभारी थे और इस नाते वो छत्तीसगढ़ के भी संगठन के प्रभारी थे। तो उसी समय हमारा उनसे परिचय हुआ और उसी समय से हमको वो पहचानने लगे थे। एक प्रधानमंत्री के रूप में और एक देश के लीडर के रूप में, ग्लोबल लीडर के रूप में, आप मोदी को कैसे देखते हैं? देखिए, आज विश्व के सबसे सर्वाधिक नेता में से हमारे आदरणीय मोदी जी हैं और आत्मविश्वास से लबालब, इतना कॉन्फिडेंस रहता है मोदी जी में और उनके व्यक्तित्व में कि देखते ही बनता है। और इतना मेहनत करते हैं, आज 24 घंटे में 18-18 घंटे काम करते हैं देश के लिए, तो दृढ़ संकल्प उनका रहता है। तो इसमें पूरा हम लोग को विश्वास होता है कि ये जो भी करेंगे उसमें सफल होंगे। तो क्या तीसरी बार सरकार बना रहे हैं दिल्ली में? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, तीसरी बार बना रहे हैं और पिछले 2 बार में जो बहुमत मिला है उससे भी कहीं ज्यादा बहुमत प्राप्त करके सरकार बनेगी। पहले बार 282 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, दूसरी बार 303 और इस बार 370 से ज्यादा। कहे कि आदरणीय मोदी जी ने जो जम्मू कश्मीर में धारा 370 था उसको हटाने का काम किया है, तो इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में 370 से ज्यादा सीट अकेले भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और एनडीए 400 के पार जाएगा। हम लोग का नारा भी है कि इस बार 400 पार। क्या आपको ऐसा लगता है कि इस देश के 142 करोड़ लोग, बीजेपी, आरएसएस, इनकी सबकी जो वर्षों पुरानी, दशकों पुरानी आकांक्षा थी, अपेक्षा थी, 370 हो, राम मंदिर हो, यूसीसी हो, सी डबल ए, तो क्या इन सबके लिए नियति ने, ईश्वर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना है? हमको तो ऐसा ही लगता है। जो हम लोग का नारा था, जो राम मंदिर का सपना हम लोग देखे थे, जब राम मंदिर के लिए रामशिला पूजन शुरू हुआ था उस समय हम राजनीति शुरू किए थे और रामशिला घर घर में ले जाके उसकी पूजा हुई थी, उस समय से शुरू किए थे और आडवाणी जी यात्रा भी निकाले और उस समय नारा लगाते थे कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। और आज वो सपना हम लोग के सामने ही पूरा होते दिख रहा है।
अमित शाह जब चुनाव प्रचार में आए थे तो उन्होंने कहा था जनता से कि आप इन्हें विधायक बना दीजिए, बड़ा आदमी हम बनाएंगे, तो क्या आपको उसी दिन लग गया था कि मुख्यमंत्री बनने वाला हूं? नहीं, हमको लगा तो नहीं था, लेकिन उन्होंने चुनाव कैंपेनिंग के दौरान कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र में आए थे और मन से बोले थे कि विष्णुदेव साय को आप लोग विधायक बना दो, हम इसको बड़ा आदमी बनाएंगे। तो हमको ये लगता नहीं था कि हम को मुख्यमंत्री बनाएंगे। और मैं आपको ये बता दूं कि हमारा सौभाग्य है कि हम दो बार विधायक रहे, चार बार लगातार रायगढ़ से सांसद रहे, और सांसद में भी लगातार वहां की जनता ने अपना आशीर्वाद बढ़ा के दिया। पहला जब 1999 में सांसद बने तो मात्र 5800 से जीते थे, दूसरी बार जब सांसद बने तो सीधे 74,000 का लीडिंग आया, और तीसरे बार थोड़ा कम हुआ 54,000, और चौथी बार जब सांसद बने तो वहां की जनता ने, मतदाता ने 2,17,000 से 17,000 से जिताया। तीन तीन बार भारतीय जनता पार्टी ने अध्यक्ष का दायित्व दिया, और आदरणीय मोदी जी के पहले कार्यकाल में राज्यमंत्री का दायित्व मिला, तो कभी हमको पूछा नहीं गया, सलाह नहीं लिया गया कि आपको ये बना रहे। बिना मांगे पार्टी ने हमको बहुत कुछ दिया, बिना मांगे। अमित शाह आपके साथ थे, दिन बस्तर के क्लस्टर की मीटिंग ली, उन्होंने आपकी बड़ी तारीफ की। जी आज आए थे वो, लोकसभा चुनाव की दृष्टि से हम लोग 11 लोकसभा क्षेत्र को क्लस्टर में बांटे हैं, 3 क्लस्टर में, एक बस्तर क्लस्टर, एक रायपुर और बिलासपुर। तो आज बस्तर क्लस्टर में उनका जो क्लस्टर प्रभारी हैं उनके साथ बैठक था, और बस्तर क्लस्टर में बस्तर, कांकेर और महासमुंद, ये 3 लोकसभा क्षेत्र है, उनके प्रभारियों के साथ उनका बैठक था। और दूसरा आज जांजगीर में एक विजय शंखनाद रैली, जिसमें मतलब ऐतिहासिक रैली हुई, उसमें उनका मार्गदर्शन मिला। तो 11 सीटें जीतने का लोकसभा के फिर क्या मंत्र देके गए आपको? बिल्कुल वही है कि 100 दिन हम लोगों को काम करना है और लाभार्थियों से संपर्क करना है। आज नरेंद्र मोदी जी 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, और गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबके लिए वो काम कर रहे हैं, और 4 बातों पर उनका ज्यादा फोकस रहता है। ज्ञान मतलब जी का मतलब गरीब, जो देश के गरीब लोग हैं उन पर उनका फोकस रहता है। वाई मतलब यूथ, जो युवा हैं देश के उनके ऊपर फोकस रहता है। ए का मतलब है अन्नदाता, जो छत्तीसगढ़ के किसान हैं, ये धान का कटोरा भी कहलाता है, तो किसानों के ऊपर उनका फोकस है। और एन मतलब नारी, महिला, ये 4 चीज पर उनका फोकस रहता है, और इसके लिए वो काम करते हैं। तो आपको लगता है कॉन्फिडेंट हैं, 11 सीटें जीत रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, और जैसे मैं कह रहा था कि 10 वर्षों में खूब काम हुआ है गांव, गरीब, किसान, मजदूर के लिए। आज गांव का एक छोटा बच्चा भी मतलब ये देश का प्रधानमंत्री कौन है पूछने से बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी है, और किसी दूसरे व्यक्ति को जाने चाहे नहीं जाने, लेकिन एक छोटा बच्चा भी देश का प्रधानमंत्री को अच्छे से जानता है। ये उनकी लोकप्रियता है, और हर क्षेत्र में वो काम किए हैं। आज मैं समझता हूं कि कोई भी घर ऐसा नहीं होगा जो मोदी जी के सरकार का कोई एकाध योजना से लाभ नहीं पाया होगा। आज इतनी योजनाएं हैं गांव में, किसी का पक्का का मकान बना है प्रधानमंत्री आवास में, तो किसी के यहाँ गैस का सिलेंडर मिला है, शौचालय का निर्माण हुआ है, या आपका जनधन खाता, पहले गरीबों का बैंक में अकाउंट नहीं होता था, लेकिन आदरणीय मोदी जी जनधन खाता के माध्यम से 0 बैलेंस में खाता, आज करोड़ों करोड़ों लोगों का खाता भी है, और जो भी सरकारी पैसा उसी खाते में आ रहा है। तो इस तरह से सबके लिए आदरणीय मोदी जी ने
काम किया है, हम तो जाते हैं तो किसी किसी घर में तो अकेले घर में 6-6, 7-7 योजना का लाभ उनको मिला है। मकान भी मिला है, गैस का सिलेंडर भी मिला है, उनका जनधन का खाता भी है, मतलब उनको अनाज भी मिल रहा है। और ये कोरोना के समय जो मुफ्त में 5 किलो प्रति व्यक्ति अनाज है वो भी मिल रहा है, ये सारा कुछ है। इसलिए देश प्रदेश की जनता आदरणीय प्रधानमंत्री जी से बिल्कुल प्रभावित है। और आप देखिएगा, मतलब जब लोकसभा का चुनाव आएगा तो कैंडिडेट नहीं देखेंगे, सिर्फ मोदी जी के ऊपर मतलब सब अपना मतलब ईवीएम को दबाएंगे। तो फिर यहाँ सचिन पायलट, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आएंगे, कोई फर्क पड़ेगा इससे? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि तो राहुल गांधी जहां जहां जाते हैं वहां पर कांग्रेस का बंटाधारी होता है। भारत जोड़ो यात्रा निकाले थे तो उसमें भी क्या हश्र हुआ कांग्रेस का, पूरा देश को मालूम है। और अभी ये न्याय यात्रा निकाले हैं तो अभी तो ये मैं कहना चाहूंगा कि पहले तो जो कांग्रेस में लोग हैं उनके ऊपर न्याय करें। आज उनका पूरा कुनबा खाली हो रहा है, डूबती नैया है कांग्रेस, और सब लोग अपना ठिकाना देख देख कर भागने लगे। एक नया प्रयोग किया है प्रधानमंत्री ने, अमित शाह ने, कि फर्स्ट टाइम एमएलए को, एक कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाया राजस्थान में, भजन लाल शर्मा को। इसको आप कैसे देखते हैं, कार्यकर्ता का सम्मान है क्या है? जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं का सम्मान है। इकलौती पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जहां पर लोकतंत्र है, जहां पर एक मेरे जैसा गांव का छोटा एक किसान का बेटा भी अपने निष्ठा, ईमानदारी और परिश्रम के बदौलत आज मुख्यमंत्री तक पहुंच सकता है। आज आदिवासी समाज की एक महिला श्रीमती द्रौपदी मुर्मू सरकार का जो सर्वोच्च पद है, राष्ट्रपति का पद, वहां तक मतलब पहुंच सकती है, ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है, दूसरी पार्टी में संभव नहीं है। और कार्यकर्ताओं का जितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी में है उतना कोई दूसरी पार्टी में नहीं है। आपको सत्ता का वो क्यों नहीं है, होम छोड़ दिया, फाइनेंस छोड़ दिया, ये कैसा रहेगा एक्सपेरिमेंट? एक बार आपको सत्ता का मोह नहीं है, आपने होम डिपार्टमेंट दे दिया, फाइनेंस दे दिया, कैसा रहेगा ये एक्सपेरिमेंट आपका? नहीं, सत्ता का हमको तो किसी चीज का मोह नहीं है, खाली जनसेवा का मोह है। एक तो देखिए, हमारा परिवार शुरू से ही जनसेवा में लगा रहा है। जब ये देश आजाद हुआ 1947 में, तो हमारे दादाजी स्वर्गीय सरदार बुद्धनाथ साय वो नॉमिनेट विधायक थे। उस समय आपका नागपुर राजधानी हुआ करता था सीपी बरार सरकार में, वो विधायक रहे। हमारे दो दो बड़े पिताजी, एक स्वर्गीय नरहरी साय जी वो विधायक थे 3-4 बार, 77 में रायगढ़ से सांसद थे, और मोरारजी भाई देसाई की सरकार में वो भी राज्य मंत्री थे। हमारे एक और बड़े पिताजी स्वर्गीय केदारनाथ साय जी वो विधायक थे। हमारा एक भाई रोहित कुमार साय वो विधायक था, और लगातार 10 साल विधायक, 20 साल सांसद, और अभी ये फिर मतलब ये विधायक के रूप में, मतलब हमारा परिवार शुरू से ही जनसेवा में लगा रहा है। इसलिए और बिना मांगे पार्टी सब कुछ दे रही है, तो कभी महत्वाकांक्षा अपने ऊपर जगती नहीं। मुख्यमंत्री बनते बहुत जल्दी आप एक्शन में आ गए हैं, केवल 2 महीने में, तो इस राज्य के लिए क्या प्राथमिकताएं तय की हैं आपने? देखिए, छत्तीसगढ़ बहुत संपन्न राज्य है, यहां वनोपज भरपूर है, खनिज संपदा भरपूर है, कोयला है, लोह अयस्क पूरा पहाड़ का पहाड़ पड़ा है, सोना है, डायमंड है, टीना है, यहाँ की धरती उर्वरा शक्ति से भरपूर है, यहाँ पर मेहनत कश किसान है। लेकिन हमेशा ये छत्तीसगढ़ उपेक्षित रहा। मध्य प्रदेश में भी जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती थी तो छत्तीसगढ़ का बहुत बड़ा योगदान रहता था, यहाँ से बहुत विधायक कांग्रेस के चुन के जाते थे, लेकिन वो सरकार कभी छत्तीसगढ़ पर ध्यान नहीं दी। कांग्रेस
बहुत पहले छत्तीसगढ़ राज्य बना सकती थी अगर छत्तीसगढ़ की उनको चिंता रहती। लेकिन ये काम हमारे नेता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को करना था, उनके शुभ कर कमलों से होना था। और 1 नवंबर 2000 में उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया ताकि जो छत्तीसगढ़ में एससी एसटी के जो लोग हैं उनका समुचित विकास हो। और जितना एसटी एससी लोगों का चिंता भारतीय जनता पार्टी करती है उतना कांग्रेस पार्टी कभी नहीं की। कांग्रेस पार्टी एसटी एससी को सिर पे के वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल की। लेकिन जब एसटी एससी के लोग पढ़ लिख के जागरूक हुए तो कांग्रेस की वास्तविकता को मतलब वो पहचाने, उनको समझ में आ गई। आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री बने तो पहली बार आदिवासियों का समुचित विकास हो इसके लिए आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का गठन भारत सरकार में किया। ये काम कांग्रेस भी कर सकती थी। अगर आदिवासी आज जो 10-12 करोड़ से ज्यादा आबादी इस देश में है उनकी चिंता कांग्रेस को रहती तो पहले वो मंत्रालय बना सकती थी, लेकिन बना ही नहीं। लेकिन वास्तव में चिंता मतलब भारतीय जनता पार्टी ने की है। और आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी नया राज बनाए हैं और उनका जो सपना था कि ये छत्तीसगढ़ डेवलप स्टेट बने, तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रूप में हम लोग को अवसर मिला है तो उनके सपनों को पूरा करने का काम हम लोग करेंगे। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो ध्येय वाक्य है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास, तो छत्तीसगढ़ के एक एक गांव तक आवागमन की सुविधा हो। हालांकि आज अटल जी को धन्यवाद भी देना चाहेंगे कि उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इस देश में शुरुआत की। कांग्रेस इसको भी कर सकती थी। अगर गांव के विकास की चिंता होती तो कांग्रेस गांव को डामर रोड से जोड़ने का काम पहले भी कर सकती थी। लेकिन ये शुभ काम भी हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को करना था। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की। आज पूरे देश में जो 6 लाख से ज्यादा गांव हैं आज डामर रोड से जुड़े हैं और इतना जाल फैला है। अगर मैं एक सच्ची कहानी आपको बताऊं तो आपको लगेगा कि ये ऐसे ही भाषण कर रहे हैं। अगर आप इजाजत दें तो मैं बताऊं। प्लीज बताइए ना क्या हुआ। एक बार रायगढ़ संसदीय क्षेत्र में एक गांव है लेलुंगा, ब्लॉक हेडक्वार्टर है। उस दिन भर हमारा कार्यक्रम था, दिसंबर का महीना था और दिन भर दौरा करके थके थे। एक कार्यकर्ता के यहाँ भोजन किए और फिर उस समय हमारे पास स्वयं की गाड़ी भी नहीं थी, सरकारी गाड़ी लेके हम चलते थे। और उस क्षेत्र से वो ड्राइवर अनभिज्ञ था। विधायक के समय तो हम 8 साल पूरा मोटरसाइकिल में गुजारे। 8 साल का विधायकी काल हम अपना एक राजदूत मोटरसाइकिल उस समय रहता था, आजकल तो राजदूत मोटरसाइकिल भी नहीं है, उसे में हम 10 साल अपना 8 साल विधायिका का गुजारे। तो उस समय फिर वो कार्यकर्ता के हम भोजन करके 11 बजे रात को चले घर के लिए। तो एक हमारे जिला पंचायत सदस्य थे, बीच में उनका मकान पड़ता था तो उनको हम ड्राफ्ट किए राजपुर में और हमको नींद आई सो गए और 11 बजे चले हैं लेलुंगा से। और जब 4 बजे भोर भोर में हमारी नींद खुली तो देख रहे हैं माइलोमीटर में लिखा है कि लेलुंगा 1 किलोमीटर। मैं बोला ये क्या हो गया भाई, 11 बजे लेलुंगा से चले हैं, 4 बजे फिर लेलुंगा पहुंच रहे हैं, क्या हो गया ये। तो हम ड्राइवर से पूछे कि वो खान साहब थे, खान साहब आप तो फिर लेलुंगा ले आए। तो बोले बाबू आप सो रहे थे, हमको जिधर जिधर काला रोड दिखा उधर उधर चला के फिर लेलुंगा ले आए। मेरा कहने का मतलब कि आज देश का छत्तीसगढ़ का सब गांव डामर रोड से जुड़ गया है, तो घुमा फिरा के फिर हमको लेलुंगा ले आया। तो इस तरह से मतलब विकास का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और पूरे देश की जनता का विश्वास आज आदरणीय मोदी जी पर भारतीय जनता पार्टी पर बढ़ा है। और निश्चित रूप से 2000
ये 24 के लोकसभा चुनाव में जनता छप्पर फाड़ के अपना आशीर्वाद देने वाली है। मोदी की गारंटी के नाम पे जनता ने आपको वोट दिया, तो अब तक कौन कौन सी गारंटियां पूरी कर चुके हैं आप? देखिए, 2 महीने ही सरकार के हुए हैं और चुनाव कैंपेनिंग के दौरान आदरणीय मोदी जी भी छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किए थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और जो भी मुख्यमंत्री होगा वो पहला काम करेगा जो कांग्रेस के 5 साल के शासन के कार्यकाल में 18 लाख लोग, गरीब लोग जो अपना हक प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए हैं उसको सैंक्शन करने का काम मुख्यमंत्री करेगा। और आपको और हमारे सभी गणमान्य लोगों को अवगत कराते हुए हमको गौरव भी हो रहा है कि 13 तारीख को हमारी सरकार ने शपथ लिया दिसंबर में और 14 दिसंबर को ही पहला कैबिनेट का बैठक किए और 18 लाख प्रधानमंत्री आवास का मतलब निर्णय ले लिए। और इसके लिए जो राज्यांश होता है उसकी व्यवस्था हम लोगों ने किया है, जैसे ही केंद्रांश मिलेगा बहुत जल्दी 18 लाख लोगों का प्रधानमंत्री आवास बनना शुरू हो जाएगा। 2 साल का, जब 15 साल हम लोग सरकार में थे तो किसानों का बोनस नहीं दे पाए थे, तो 25 दिसंबर जो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन जिसको पूरा देश सुशासन दिवस के रूप में मनाता है, तो मोदी जी का भी कमिटमेंट था और पार्टी का भी था, तो 25 दिसंबर को 12 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में 3716 करोड़ रुपया 2 साल का बकाया बोनस चंद मिनटों में उनके खाते में भेज दिए। उसी तरह से आपका 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदेंगे ये वादा था और आपको बताते हुए गौरव भी हो रहा है कि इस साल धान की बम्फर खरीदी हुई है, 147 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है जो कि अभी तक का सर्वाधिक है और MSP सबको मिल गया है। जो अंतर की राशि है 917 रुपया प्रति क्विंटल उसको भी एकमुश्त हम लोग बहुत जल्दी देने वाले हैं। उसी तरह से जो विवाहित महिलाएं हैं उनके लिए मोदी की गारंटी में वादा था कि साल का 12,000 रुपया उनको प्रति महीना 1,000 के हिसाब से देंगे, तो महतारी बंधन योजना में ये राशि भी देने का हम लोगों ने कैबिनेट में निर्णय ले लिया है और कल तक उसका लास्ट डेट था फार्म भरने का, परसों तक 20 तक, और 70 लाख से ज्यादा विवाहित महिलाएं फार्म भरी हैं और अगले महीने से मार्च से उनके खाते में पैसा जाना शुरू हो जाएगा। और भी मोदी की गारंटी में जो कुछ है, सरगुजा और बस्तर इसको ज्यादा फोकस कर रहे हैं, वहां पर वनवासी रहते हैं तो तेंदू पत्ता होता है जिसको हरा सोना बोलते हैं, पिछले सरकार में 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा उसका कीमत था, उसको बढ़ाकर सीधे 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा कर रहे हैं और पिछली सरकार में मात्र 3 दिन खरीदी होती थी, हम लोग 15 दिन खरीदी करेंगे और 5,500 प्रति मानक बोरा के हिसाब से खरीदेंगे। उनके बच्चों को स्कॉलरशिप भी देंगे, जो तेंदू पत्ता संग्राहक होंगे उनके बच्चों को स्कॉलरशिप भी देंगे, चरण पादुका योजना भी फिर चालू करेंगे, गरीब लोगों के पास और गर्मी के दिनों में तेंदू पत्ता तोड़ने जंगल जाना पड़ता है उनके पैर में कांटा खूंटी मत गड़े इसके लिए सरकार उनको जूता चप्पल भी देने का काम करेगी, तो ये सब काम करेंगे। जो भूमिहीन लोग हैं उनको सरकार साल का 10,000 रुपया सहायता देगी, वो भी अभी ये 24-25 के बजट में हम लोग प्रावधान कर लिए हैं। तो इस तरह से मोदी की गारंटी में जो भी हम लोग का वादा है आने वाले 5 साल में हमारी सरकार 100% पूरा करेगी। वेरी नाइस। आदिवासी स्टेट है छत्तीसगढ़, ट्राइबल स्टेट भी कहते हैं, आप छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हैं और पूरे देश में आज एक सर्वमान्य आदिवासी नेता के रूप में आपकी मान्यता है, आपका रिकग्निशन है, तो मौका मिला है तो आदिवासी समाज के उत्थान के लिए क्या है मन में? देखिए, एक तो मैंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों का बहुत चिंता करती है, देश के सर्वोच्च पद पर भी महामहिम
श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को बैठाई है। अटल बिहारी वाजपेयी जी अलग से मंत्रालय का गठन भी किए हैं। आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भी बनाए हैं। और आज जो केंद्र में ट्रैवल डिपार्टमेंट का बजट है, आज हजारों करोड़ का बजट है, छत्तीसगढ़ सरकार से थोड़ा ही कम बजट है, तो आज पर्याप्त मात्रा में ट्रैवल क्षेत्र में सेंटर से भी पैसा मिल जाता है। और छत्तीसगढ़ में भी जब हम लोग 15 साल सरकार में थे तो दो दो प्राधिकरण का गठन किए थे कि सरकार की जो भी योजना है उसका लाभ तो मिलता ही है, लेकिन आदिवासियों को और भी कोई विकास करना है तो संसाधन की कमी नहीं हो, इसके लिए सरगुजा विकास प्राधिकरण और बस्तर विकास प्राधिकरण का गठन किए थे, जिसमें पर्याप्त बजट रहता था और उसके माध्यम से जो भी आवश्यकता होती थी आदिवासियों का उसका पूरा करते थे। एक PVTG होता है, विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजाति, जिसको राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र भी कहे जाते हैं। और देश में सैकड़ों जाति है PVTG में, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में 5 जाति है। 5 जाति में कोरवा, बिरहोर, अभुजमाड़िया, कमार और एक बैगा, ये 5 जाति PVTG में आते हैं, जो कि विशेष पिछड़ी अनुसूचित जनजाति है। मतलब आदिवासी तो हैं लेकिन वो और उससे भी पिछड़े हुए हैं, तो इनको राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र भी कहे जाते हैं। और पिछले साल 2023 से 15 नवंबर 2023 से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जनमन योजना का शुरुआत किया है। और प्रधानमंत्री जनमन योजना में ऐसे जो PVTG के लोग हैं उनके लिए अतिरिक्त बजट का प्रावधान है। और अभी 11 योजनाओं पर फोकस है और 9 मंत्रालय उसमें काम कर रहा है भारत सरकार का, और 11 योजनाओं पर फोकस है। इसमें ये है कि PVTG का जहां बसाहट है, जहां उनका गांव है, कस्बा है, वहां सबसे पहले रोड मिल जाए, हर परिवार का पक्का का मकान हो जाए, हर मकान में बिजली पहुंच जाए, नल के द्वारा वहां पानी पहुंच जाए, उनका आधार कार्ड बन जाए, उनका आयुष्मान कार्ड बन जाए, ये 11 योजनाओं पर फोकस है और बड़ी तेजी से इस पर विकास का काम हो रहा है। हिंदू आदिवासी, ईसाई आदिवासी, ये क्या है? देखिए, ये राष्ट्रवाद को कमजोर करने के लिए बहुत विधर्मी लोग लगे हैं, और जो वनवासी हैं, जो आदिवासी हैं, आज आप चले जाइए, बिना राम के किसी का नामे नहीं होगा। कोई सोमवार को पैदा होता है तो सोमारू राम, मंगल को पैदा होता है तो मंगलू राम, मतलब राम तो होगा ही। और जो राम भगवान के एकदम नजदीक रहे, त्रेता युग से मतलब भगवान राम के नजदीक रहे, सबरी माता, सौभाग्य छत्तीसगढ़ का कि छत्तीसगढ़ माता कौशल्या की धरती है। 14 वर्षों के वनवास काल में सबसे ज्यादा समय भगवान राम ने छत्तीसगढ़ में काटा है, और यहाँ पर सबरी माता के जूठे बेर भी खाए हैं। लेकिन आज वही आदिवासियों को राष्ट्रवाद को कमजोर करने के लिए ये भरमाया जाता है कि आदिवासी हिंदू नहीं, ये भरमाया जाता है, लेकिन ये ज्यादा उनका ये चलने वाला नहीं है। आदिवासियों को आस्तिकता पता चल रहा है। कई जगह बोलते हैं कि आदिवासी रावण के वंशज हैं, तो हम कहते हैं कि भाई रावण के वंशज भी आप बोलते हो तो रावण तो बहुत बड़े शिव भक्त थे, अगर रावण के भी वंशज हैं आदिवासी तब भी तो वो हिंदू हैं। तो उनके पास कोई तर्क नहीं है। मतलब सिर्फ एक तरह से हम कहना चाहेंगे कि मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रवाद को कमजोर करने के लिए आदिवासियों को दूर करना चाहते हैं, इसलिए भ्रम पैदा करना चाहते हैं, लेकिन ये भ्रम मतलब अब उनका चलने वाला नहीं है। तो ये धर्मांतरण कानून जो है, एंटी कन्वर्जन लॉ, ये कब ला रहे हैं?
धर्मांतरण कानून तो ऐसे है, लेकिन उसको और स्ट्रोंग करने की आवश्यकता है। और अभी हमारे विधानसभा में हमारे जो धर्मस्थ मंत्री हैं ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, वो बोल भी चुके हैं और कड़ा कानून हम लोग लाएंगे धर्मांतरण के लिए। देखिए, हमारा ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है, अपनी इच्छा से कोई भी धर्म माने उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप किसी की अशिक्षा, किसी की गरीबी, इसका फायदा करके आप गलत फहमी पैदा करके अगर धर्मांतरण करते हैं तो इसका तो हम लोग सख्त विरोध करेंगे। कोई स्वेच्छा से चला जाए उस पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप गलत फहमी में डाल के किसी का धर्मांतरण करेंगे तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। काहे कि ये धर्मांतरण सिर्फ धर्मांतरण ही नहीं है, ये लोग बाद में राष्ट्रांतरण की बात करते हैं, ये दुख की बात है। आदिवासी क्षेत्रों में लॉ एंड ऑर्डर एक इशू रहा काफी समय से, फिर घटनाएं होने लगी, तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए आदिवासी इलाकों में बस्तर वगैरह में क्या कर रहे हैं कोई खास? देखिए, कानून व्यवस्था पर भी हम लोग ध्यान दिए हैं, और आज हमारा बस्तर की आपने बात कही है, बस्तर हमारा संवेदनशील क्षेत्र है, लेकिन आपके साथ आपके पूरे भारत 20 परिवार और जो गणमान्य यहाँ पर महानुभव हैं सबको बताते हुए हमको हर्ष हो रहा है कि जब से हमारी सरकार आई है हम लोगों की लड़ाई तेज हुई है। सभी लोगों को अवगत है कि लगातार मुठभेड़ भी हो रहा है और नए नए सुरक्षा कैंप डाल रहे हैं। पिछले 2 महीनों के अंतराल में कुल 14 नए सुरक्षा कैंप डाले हैं, और सुरक्षा कैंप डालने का मतलब सुरक्षा कैंप के 5 किलोमीटर रेडियस में जो भी गांव आते हैं उस गांव के लोगों तक सरकार की जो भी योजनाएं हैं उन योजनाओं को 100% पहुंचाना, ये मतलब सुरक्षा कैंप डालने का मतलब है। और हम लोग अभी एक नियत नेलानार योजना, गोंडी भाषा में है नियत नेलानार योजना, अभी हम लोग 16 फरवरी को लॉन्च किए हैं। और नियत नेलानार योजना का हिंदी में है आपका अच्छा गांव, और ऐसे संवेदनशील क्षेत्र के सब गांव अच्छा बने, सबके यहाँ रोड पहुंचे, बिजली पहुंचे, पानी पहुंचे, राशन पहुंचे, वहां पर गैस का सिलेंडर पहुंचे, ये सब काम मतलब इस नियत नेलानार योजना में है। और आज ही हमको गृह मंत्री जी जो हमारे हैं विजय शर्मा जी, बड़े वो युवा और ऊर्जावान हैं, अभी वहाँ सुरक्षा कैंप जहाँ टेकुलगुड़ेम में नक्सली मुठभेड़ हुआ था, जहाँ 3 हमारे जवान शहीद हुए थे, उसके पास के सुरक्षा कैंप में सिलगेर में जाके आए हैं, लोगों से मिल के आए हैं। और आज वो वीडियो हमको दिखा रहे थे कि जब से नियत नेलानार योजना का लॉन्च किए हैं वहां पर तेजी से काम शुरू हो गया है, बिजली पहुंचाने का काम, सब काम वहां पर शुरू हो गया है, और बहुत जल्दी ऐसे क्षेत्र के लोगों को हम लोग विकास की मुख्य धारा से जोड़ेंगे। वो लोग चाहते हैं विकास की मुख्य धारा से वो लोग जुड़े, उनको भी सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, वहां की जनता चाहती है, और वो हम लोग पूरा करके दिखाएंगे। आपने विजन डॉक्यूमेंट की बात की है, तो प्रधानमंत्री की तर्ज पे आपका 2047 का विजन डॉक्यूमेंट आप बना रहे हैं कोई? जी बिल्कुल, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का ये संकल्प है कि आने वाला 2047 तक हमारा ये भारत विकसित भारत हो जाए। और अपने 10 साल के प्रयास में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश को इकोनॉमी की दृष्टि से जो 11वें स्थान पर था उसको 5वें स्थान पर लाके खड़ा किया है, और 2047 तक जो 3 टॉप के जो इकोनॉमिक क्षेत्र में होंगे उसमें अपने देश को लाने का उन्होंने संकल्प लिया है, और वो निश्चित रूप से हमारा विश्वास है इसमें पूरा होंगे। लेकिन उसके लिए हमको भी विकसित छत्तीसगढ़ बनाना पड़ेगा, और इसके लिए छत्तीसगढ़ के सब लोगों को अपना मतलब उसमें कंट्रीब्यूशन देना ही पड़ेगा, सबको सहयोग करना पड़ेगा, और इस दिशा में भी हम लोग काम करेंगे। अभी 24 तारीख को ही एक कार्यक्रम रखे हैं विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़, और जो 90 विधानसभा क्षेत्र हैं छत्तीसगढ़ के अंदर में,
सभी जगह 5,000 से ऊपर लोग एक साथ प्रधानमंत्री जी को सुनेंगे और प्रधानमंत्री जी दिल्ली से सभी को संबोधित करेंगे कि मतलब विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए हम लोग को क्या क्या करना पड़ेगा और उस दिशा में छत्तीसगढ़ भी हमारा काम करेगा। आपने एक और महत्वाकांक्षी टारगेट तय किया जीडीपी का कि 5 साल में जीडीपी को मैं 10 लाख करोड़ तक लेके जाऊंगा, है कॉन्फिडेंट है आपको का? बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, मतलब आने वाले 5 साल में यहाँ का जीडीपी को हम लोग पहुंचाएंगे 10 लाख करोड़ तक और ये संभव है छत्तीसगढ़ में। मैंने पहले ही कहा है कि ये मतलब छत्तीसगढ़ बहुत संपन्न प्रांत है, खनिज संपदा से भरपूर है, वन संपदा है और यहाँ पर मेहनत कश किसान है, यहाँ की धरती भी उर्वरा शक्ति से भरपूर है। तो निश्चित रूप से सरकार में बैठे हुए लोगों का अगर नीति और नियत स्पष्ट है तो अचीव करने में कोई दिक्कत नहीं होगा और हम लोग इसको पूरा करके दिखाएंगे। सड़क बिजली पानी सब करेंगे। एक तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात मैंने पहले कही है कि उसके तहत सारे गांव हमारे डामर रोड से जुड़ चुके हैं और उसका सेकंड फेज का काम भी चालू है और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 100% राशि भारत सरकार से आता है और स्टेट गवर्नमेंट का जो रोड है उस पर भी काम करना शुरू कर दिए हैं हम लोग स्टेट बजट से। और जो नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे में भी पूरा पैसा भारत सरकार से मिलता है। तो ये सड़क का काम हम लोग करेंगे, बिजली पहुंचाने का काम भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी हर घर बिजली सौभाग्य योजना के माध्यम से हर घर में बिजली पहुंचाए हैं और हमारा जो बस्तर का क्षेत्र है जहां पर 14,000 घरों में आज भी बिजली नहीं है वहां पर हम लोग बिजली या तो सौर ऊर्जा से बिजली पहुंचाने का काम ये नियत निलानार योजना के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। और जल जीवन मिशन ये प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि जिस तरह से हर घर में बिजली है उसी तरह से हर घर में नल के द्वारा पानी पहुंचे, इसके लिए जल जीवन मिशन है। उसके लिए भी हम लोग इस बजट में पर्याप्त राशि की व्यवस्था किए हैं और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के एक एक घर में नल द्वारा पानी पहुंचाएंगे। एजुकेशन और अनएम्प्लॉयमेंट कुछ कर रहे हैं? देखिए एजुकेशन का भी पिछले 15 साल में एजुकेशन के क्षेत्र में भी आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री के रूप में बहुत काम किए हैं। आज जब हमारा छत्तीसगढ़ राज्य बना तो एक मेडिकल कॉलेज यहाँ पर होता था, आज 10 मेडिकल कॉलेज हैं। आज यहाँ पर IIT आ गया, IIM आ गया, नीट आ गया, मतलब शिक्षण की जितनी संस्थाएं हैं सब छत्तीसगढ़ में हमारी जो 15 साल की सरकार थी उसमें आ गया। अभी एक PM श्री योजना का लॉन्च अभी 2 दिन पहले हमारे देश के शिक्षा मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी यहाँ से करके गए हैं। PM श्री योजना का मतलब कि स्कूलों में गुणवत्ता बढ़े और हर 211 स्कूल उसमें अभी चयनित हुए हैं, 211 स्कूल, और हर स्कूल को भारत सरकार 2-2 करोड़ रुपया देगी ताकि वहाँ भवन अच्छा बने और हर कुछ वहाँ पर अच्छा हो, बिजली हो, पानी हो, ये PM श्री योजना। और अभी हमारे बस्तर यूनिवर्सिटी को 100 करोड़ रुपया भारत सरकार दे रहा है, हमारे बिलासपुर के एक यूनिवर्सिटी को 20 करोड़ दे रहा है। तो इस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में भी हम लोग काफी यहाँ पर काम करेंगे। आपने कहा कि भगवान राम का ननिहाल है छत्तीसगढ़, तो इसे विकसित करने की दिशा में क्या कर रहे हैं? हाँ, भगवान राम का ननिहाल है, माता कौशल्या की धरती है, तो जो भी राम वन गमन पथ है उस पर कॉरिडोर का निर्माण करेंगे जहां जहां भी वो गए हैं और उसके लिए भी बजट प्रावधान हम लोग किए हैं। और जो 5 शक्तिपीठ है उसको भी 5 शक्तिपीठ को जोड़ने का बजट का प्रावधान हम लोगों ने किया है और मोदी की गारंटी में एक रामलला दर्शन योजना है। रामलला दर्शन योजना में जितने भी छत्तीसगढ़ के लोग हैं उनको सरकारी खर्चे पर बहुत सुख सुविधा के साथ अयोध्या ले जाया जाएगा, उनको भगवान राम का दर्शन करा के लाया जाएगा। डॉक्टर रमन सिंह से कैसे संबंध है?
बहुत अच्छे संबंध हैं, वो हमारे अग्रज हैं, बड़े भाई जैसा हैं। हम लोग उनके साथ बहुत काम किए हैं, विधायक के रूप में भी, सेंट्रल में भी वो मिनिस्टर थे, तब भी हम सांसद थे, और 15 साल मुख्यमंत्री भी रहे तब हम सांसद थे, तो बराबर उनका सहयोग आशीर्वाद हमको मिला है। आमतौर पर राज्यों में जो प्रभारी हैं मुख्यमंत्री हैं तो जरा पोल से पार्ट रहता है, आपके यहाँ तो बड़ी दोस्ती है ओम माथुर, आप तो कैसे निभाते जी? आमतौर पे राज्यों में जो प्रभारी होता है जैसे ओम माथुर हैं, मुख्यमंत्री है जी, तो बनती नहीं है, यहाँ बहुत अच्छी बनती है, इसका क्रेडिट किसे देना चाहिए? हमारा तो सबसे बनती है। और ये सब आज अगर हम लोग सरकार बना पाए हैं यहाँ पर, तो हमारे जितने भी जो राष्ट्रीय नेतृत्व हैं, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, मनसुख मांडविया जी, ये सब बहुत मेहनत की। आदरणीय माथुर जी चुनाव के प्रभारी थे, उन्होंने भी खूब मेहनत किया, उनके नीचे अजय जामवाल जी हैं, नितिन नवीन जी हैं, शिवप्रकाश जी हैं, सब लोगों ने यहाँ पर समय दिया, कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार किया, और सब कार्यकर्ता पूरी टीम भावना के साथ काम किए, तभी इतनी बड़ी सफलता हम लोग प्राप्त करने में सफल हुए। बस एक दो आखिरी सवाल, स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव आपके बहुत करीब थे, आज आप चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी याद आती है, उन्हें मिस करते हैं? बिल्कुल याद आती है, और हम अपने घरों में उनका फोटो लगा के रखते हैं, काहे कि दिलीप सिंह जूदेव हमको राजनीति में शुरू लाने वाले वही है। जब मैंने कहा कि 90 में जब टिकट उन्होंने ही हमको भारतीय जनता पार्टी से दिलवाया था, और तब से लगातार हम विधायक भी रहे, सांसद भी रहे, तो उन्हीं का आशीर्वाद था। और ऐसे व्यक्ति जिनके साथ 25 साल हमको काम करने का अवसर मिला, और उनमें भी महत्वाकांक्षा बिल्कुल नहीं थी, उनमें घमंड नहीं था, अहम बिल्कुल नहीं थी, और बहुत बड़े वो मास लीडर थे, कोई भी व्यक्ति उनसे एक बार मिलता था तो हमेशा उसको लगता था कि वो मिलते रहें, ऐसा उनका स्वभाव था। एक तो पर्सनालिटी वाइज भी वो अलग ही दिखते थे, मतलब सिंगल व्यक्ति थे, पर्सनालिटी वाइज चाहे व्यवहार को भी देखें तो ऐसा आदमी मिलना मुश्किल। तो बस ये आखिरी सवाल है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद वनवासी कल्याण आश्रम जाने का मन होता है, समय मिलता है? बिल्कुल, बेसिकली हम लोग वनवासी कल्याण आश्रम के ही मतलब प्रोडक्शन है, जब पढ़ाई वढ़ाई पूरा करके पहले वनवासी कल्याण आश्रम में ही काम किए, और आज हम धन्यवाद देना चाहेंगे वनवासी कल्याण आश्रम का, जिसका केंद्रीय कार्यालय जसपुर है, और आज 2500 से भी ज्यादा प्रकल्प वनवासी कल्याण आश्रम के, जहां जहां भी आदिवासी पॉपुलेशन है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे अंडमान निकोबार हो, सब जगह उनका प्रकल्प है, और आज आदिवासियों के उत्थान में वो मतलब काम वो संस्था कर रही है। और जसपुर जैसा क्षेत्र जहां पर मतलब धर्मांतरण और गोहत्या किस हद तक होती थी, लेकिन आज वहां पर कंट्रोल में है, तो उसमें एक वनवासी कल्याण आश्रम का योगदान है, और एक स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव जी जो घरवासी का कार्यक्रम चलाए, वो राज परिवार के होते हुए भी जो कन्वर्टेड हिंदू होते थे उनके पैरों को अपने हाथ से धोते थे और उनको फिर हिंदू बनाते थे, तभी हमारा जसपुर आज बचा है। तो मुख्यमंत्री जी, 2 माह में आपने इतने कीर्तिमान बनाए हैं, हम आपसे आशा करते हैं और आपको शुभकामनाएं देते हैं कि 5 साल में आप बहुत बड़े बड़े कीर्तिमान बनाए। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका मार्गदर्शन भी मिलता रहे यही अपेक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर, और जिस शालीनता के साथ